नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, कुछ लोग 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, कॉलेज जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, IIT, नीट, रेलवे, SSC, PSC सभी की तैयारी कर रहे हैं कई लोग। आप लोगों में से कई लोग जो हैं जॉब पा लेते हैं और बहुत सारे लोग जॉब नहीं पाते हैं। सिर्फ एक ही पॉइंट बताऊंगा मैं, आप यदि इसको मान लें और समझ लें, सबसे बड़ी बात है, पता सबको है लेकिन समझता कोई नहीं, इसको समझ लें तो आपका सिलेक्शन जो किसी भी फील्ड में आप जाओ उसमें हो जाएगा, 101% हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप क्रिकेट पसंद करते हैं, सचिन तेंदुलकर को, महेंद्र सिंह धोनी जिसको भी आप फॉलो करते हैं, मूवी में अमिताभ बच्चन को, या फिर APJ अब्दुल कलाम को फॉलो करते हैं, या फुटबॉल खेलते हैं और मेसी रोनाल्डो को पसंद करते हैं, दोस्तों इन सभी में एक चीज कॉमन रही, इन्होंने शुरू से लेकर जब तक ये सक्सेस नहीं हुए केवल एक ही चीज को फॉलो किया है। ऐसा नहीं है कि इनके करियर में उतार चढ़ाव नहीं आए होंगे, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू एक चीज को फॉलो करते ही रहे हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? रेलवे की जॉब निकली, हमने रेलवे की वैकेंसी भरी, नहीं सिलेक्शन हुआ, 2 महीने बाद SSC बैंक का पेपर आ गया, हम बैंक की तैयारी करने लगते हैं, सिलेबस बिल्कुल अलग, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्यों? आप केवल और केवल एक लक्ष्य को यदि फोकस करेंगे, दुनिया की हर जॉब पा सकते हैं, हर एक जॉब में आपको सक्सेसफुल व्यक्ति भी मिल जाएगा और फेलियर व्यक्ति भी मिल जाएगा। कोई भी जॉब ऐसी नहीं है जिसमें आपको सक्सेसफुल व्यक्ति ना मिले, फेलियर व्यक्ति ना मिले। मैं आपको बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल देता हूं, युवराज सिंह का नाम सबने सुना होगा क्रिकेट में। युवराज सिंह के कारण ही भारत में वर्ल्ड कप आया था, 50-50 भी और 20-20 भी, सभी जानते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है वो क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनके पिताजी ने उनको बचपन से मार मार के क्रिकेट खिलवाया, घर पे भी जितनी देर रहे वो उनको प्रैक्टिस करवाई, मतलब उनका शुरू से लेके एंड तक एक ही चीज में लगा रहा, उनका उस चीज में मन भी नहीं था तो भी उस चीज में वो टॉप पर हैं। यदि आपके घर वाले किसी चीज में आपको भर्ती कर देते हैं, आपको बोलते हैं नहीं तू IIT ही करेगा, तू इंजीनियरिंग ही करेगा, उनको दोष मत दो, दुनिया में किसी को भी दोष मत दो। यदि आप किसी भी एक चीज को कंटिन्यू करते हैं, बिल्कुल उसमें लग जाते हैं, तो दुनिया की ऐसी कोई भी जॉब या कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपको ना मिले, ये फैक्ट है। लेकिन भटकना नहीं है, आप कंटिन्यू लगे रहें, तब एक ही चीज को यदि आप करते रहेंगे तब आप सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आपने ताड़ का पेड़ देखा है, ताड़ का, नारियल जैसा होता है ताड़ का पेड़, बिल्कुल सीधा लंबा, बहुत लंबा होता है। एक ताड़ का पेड़ लगाना और एक कोई दूसरा वृक्ष लगाना नॉर्मल, 10 साल बाद ताड़ का पेड़ बहुत लंबा हो जाता है, दूसरा वृक्ष आम का ले लो वो लंबा नहीं हो पाता। उसका रीजन पता है, ताड़ के वृक्ष में पूरी एनर्जी केवल एक ही दिशा में लगती है, बल्कि यदि आप आम के पेड़ ले लोगे तो उसमें कम से कम 100 से ज्यादा शाखाएं निकल जाती हैं आजू बाजू चारों तरफ, ठीक है। तो ताड़ के वृक्ष में एक ही तरफ पूरा फोकस लगता है तो वह लंबा होते जाता है, ऊंचा जाते जाता है। तो ये चीज आप जब तक एक ही चीज पर फोकस नहीं करोगे तरीके से, जब तक किसी भी चीज के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ जाओगे, रेलवे मतलब रेलवे, PSC मतलब PSC, आपका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा। एक चीज को पकड़ो, भले 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल कितना भी समय लग जाए, वह अचीव करनी है, मतलब करनी है, दुनिया की कोई भी ऐसी जॉब नहीं जो आपको नहीं मिल सकती। ये चीज यदि आपने समझ ली दोस्तों तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और यदि आपको समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूं। यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए दोस्तों।